इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बूंदी 22 सितंबर राज्य सरकार की श्रम विभाग के तहत चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बूंदी जिले के श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा। श्रम विभाग के कर्मचारी श्रमिकों को उनके जायज कामों के लिए भी चक्कर पर चक्कर काटने को मजबूर कर रहे हैं। कई श्रमिक तो श्रम विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आप भी लगा रहे हैं। शुक्रवार को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने पर श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे श्रमिकों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रमिक डायरी जारी नहीं की जा रही। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि श्रम विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के चलते श्रमिकों के बच्चों को राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति का भी 2 वर्षों से लाभ नहीं मिल पा रहा। श्रमिकों ने ऑनलाइन ई मित्र की दुकानों पर दलालों के माध्यम से श्रमिक डायरी को लेकर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए। मजदूरों ने कहा कि श्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। एक मजदूर महिला ने कहा कि सड़क दुर्घटना पर उसे राज्य सरकार की ओर से 60,000 रुपए मिलने थे, मगर विभाग द्वारा 20,000 रुपए में समझौता कर देने की बात कहकर बार बार चक्कर कटवाई जा रही है। इस दौरान मजदूर इमरान, रफीक, आसिफ, अमीन, समीर, अब्दुल, रेणु कुमारी, संतोष सेन, नेहरू, निशा, मुमताज, दुर्गालाल आदि मौजूद रहे। हाँ जी, ये श्रमिक विभाग में जो आए हो, ये भीड़ लग रही है, किस काम के जैसे आए, कौन है? ये मजदूर डायरी बनवाने के लिए आए हैं और इनका मजदूर डायरी भी बनवाते हैं, जिनका मैं मदद करती हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, बूंदी जिला से हूँ, और यहाँ के जो श्रमिक विभाग के जो अधिकारी है ना, इन लोगों से पैसे की मांग करते हैं। 3,000, 4,000, 5,000 जो भी बन पड़ता है वो इनसे लेते हैं, और इनको बहुत दिक्कत आ रही है, गेहूँ नहीं मिल पा रहा है उस वजह से, श्रमिक कार्ड की वजह से। और ये यहाँ पे 50 चक्कर काटते हैं, इनको यहाँ पे बुलाया जाता है और यहाँ साइन करवा लिया जाता है, इनसे कहते हैं कि अगली बार आना, और फिर इनको 50 चक्कर फिर कटवाएंगे और कहेंगे कि अब अगली बार आना, आपका काम, आपको अगली बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इनका मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपका कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है बिना रीजन के, बिना कारण के। ये हाल है यहाँ के अधिकारी का, ये भ्रष्टाचार फैला रखा है इन लोगों ने। ये भी तो हो सकता है ना कि मजदूर अपात्र हो, इस वजह से वो रिजेक्ट होता हो फॉर्म? जी नहीं, ये सब मजदूरी करने वाले बोलिए, मजदूरी करने वाले हैं, सब बेलदारी करते हैं। इनके मौके पे जाके चेक करके आ सकते हैं, सब मजदूरी करते हैं, सब बेलदारी करते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी इनके श्रमिक डायरी नहीं बनती, जी नहीं बन पाती है सर। ये सब एजेंट फैला रखे इन्होंने, ई मित्र पे एजेंट फैला रखे हैं। 3,000 रुपए, 4,000 की मांग रखते हैं कि 3,000 रुपए देंगे तो आपका एक नंबर का काम हो जाएगा। अच्छा, श्रमिक डायरी बनाने के लिए 3,000-3,000 रुपए मांगते हैं? 3,000-3,000 रुपए मांगते हैं, और इनसे बहुत से तो ले भी रखे हैं इन्होंने और काम भी नहीं कर रखे हैं। एक मित्र साहब, एक फॉर्म का 5,000 रुपए मांगते, 5,000 रुपए तो मोटा डबल है, क्या बोलूं? 5,000 कम होंगे, इनके पास यहाँ पे आने के लिए ऑटो के पैसे नहीं है, और ये 5,000 कहाँ से देंगे? मजदूर मन के सर, कहाँ से? सरकार ने तो श्रमिकों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चला रखी है सर। अब ये देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे वो लाभ दे रखे हैं इनके लिए, जनमानस के लिए, ये इनको लाभ नहीं उठा पा रहे तो फिर किस लिए है ये? क्या लगता है आपको कि कर्मचारियों की थोड़ा लापरवाही का सामने आती है इसमें? मतलब ये तो कैमरे इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।